महीने जब भी पीरियड्स का दिन करीब आने लगता है तो हम लड़कियां और महिलाएं सोचती है काश ये पीरियड ना आए, ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग। लेकिन जब भी पीरियड्स मिस हो जाता है तब हमको बहुत सारा टेंशन होता है कि पीरियड्स क्यों मिस हो गया, फिर हम उसका जो जवाब बहुत ढूंढने लगते हैं। अगर आपका नया नया शादी हुआ है और पीरियड्स मिस हो जाता है तो टेंशन और भी ज़्यादा लगता है। आपके मन में यही सवाल आता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ, मैंने तो बर्थ कंट्रोल का यूज़ किया था, मैंने तो प्रिकॉशन लिया था, फिर भी मेरा पीरियड्स कैसे मिस हो गया। फिर आप जाते हैं कोई भी जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करने के लिए, उसके बाद भी अगर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है और फिर पीरियड्स लेट या फिर इरेगुलर होता है तो फिर आपका बहुत टेंशन हो जाता है। तो क्या ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, नया नया सारे पीरियड्स मिस हो रहे हैं? तो इसका भी बहुत सारे कारण है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद पीरियड्स लेट, मिस या फिर इरेगुलर होने का क्या कारण हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है? सो नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल अनुराधा केयर में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद पीरियड्स जो होता है वो इरेगुलर होता है या फिर लेट या फिर मिस होने का क्या वजह हो सकता है। सो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। तो शादी में तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, शादी का प्रिपरेशन हुआ या फिर कोई नया एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बहुत सारा स्ट्रेस शादी के दौरान लड़कियों को रहता है। जैसे भी हो स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस अगर आपको रहता है तो वो एक स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में पैदा करता है, उसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, ठीक है? और ये कॉर्टिसोल जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड को रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हर वो हार्मोन या फिर हर वो रासायनिक पदार्थ या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होता है हार्मोन्स, उसको रेगुलेट करता है। अगर कॉर्टिसोल का स्ट्रेस के वजह से कॉर्टिसोल ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है तो वो पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती है। ये तो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यही है, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल यूज कर रहे हैं शादी के बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए, ठीक है? बर्थ कंट्रोल पिल जो यूज करते हैं हम, वो बेसिकली तो रासायनिक पदार्थ या फिर हार्मोन ही होता है, लेकिन वो नेचुरल हार्मोन यानी कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन पैदा होता है। शादी के बाद बहुत सारे लड़कियां या फिर बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि बर्थ कंट्रोल पील्स लेते हैं अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने। ये जो बर्थ कंट्रोल पील्स होता है वो प्रेगनेंसी तो रोक लेता है, लेकिन उसका जो सीधा प्रभाव है वो जो लड़की का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पर सीधा सीधा असर करता है। तो इसके वजह से भी आपका पीरियड मिस हो सकता है या फिर लेट हो सकता है या फिर इरेगुलर हो सकता है। ये गया दूसरा कारण। अभी मैं बताऊंगी आपको कि तीसरा कारण क्या होता है। तो तीसरा कारण क्या है, देखिए, अगर आप लाइफस्टाइल और ससुराल का लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज होता है, सो अगर आपका शादी के बाद अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया या फिर आपका डेली रूटीन में भी चेंजेस आता है या फिर आप कहीं नई एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट होना चाह रहे हैं या फिर आपका फूड पान है या फिर डाइटिंग में अगर आपका चेंज हो रहा है तो भी आपका पीरियड्स जो हो वो मिस हो सकता है, लेट हो सकता है या फिर इरेगुलर हो सकता है। तो शादी के दौरान आप एक एनवायरनमेंट और एक परिवार से जाकर दूसरे परिवार में बसते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो खान पान होता है, उसको आप एडजस्ट करना, तो इसीलिए उसके वजह से भी आपका पीरियड लेट हो सकता है या फिर मिस हो सकता है या कभी कभी इरेगुलर भी हो सकता है। सो बॉडी जो होता है, जो नया एनवायरनमेंट होता है उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चौथा रीजन यानी कि फोर्थ कारण ये है, अगर शादी के दौरान, शादी से पहले या फिर शादी के बाद अगर आप वेट लॉस करती है या फिर वेट गेन करती है, बहुत सारी लड़कियां होती है वो शादी के बाद अचानक से वेट लॉस कर देती है या फिर बहुत सारे ऐसे लड़कियां होते हैं जो कि वेट गेन भी करते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करते हैं या फिर वेट गेन करते हैं
तब भी आपका जो पीरियड्स है वो भी वेट लॉस और वेट गेन के कारण तो थोड़ा मिस हो सकता है या फिर लेट हो सकता है या फिर इरेगुलर भी हो सकता है। सो ये तो गया आपका चौथा रीजन। और पांचवा रीजन क्या होता है? पांचवा रीजन ये है, कभी कभी लड़की कैलकुलेशन में भी गलती करते हैं, गलत होते हैं। और नॉर्मल जो लड़की होते हैं उनका जो पीरियड्स होता है वो साधारणतः 28 से लेकर 35 दिन में एक बार होता है। अगर इस महीना आपका पीरियड्स 28 दिन में हो गया या फिर थोड़ा जल्दी आ गया, तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड होगा वो थोड़ा लेट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी घबराने वाला कोई भी बात नहीं है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, वो एडजस्ट हो जाएगा। आपका जो एनवायरनमेंट है या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है कुछ रेगुलर हो जाएगा। अगर फिर भी आपका पीरियड इरेगुलर होता है या फिर मिस हो रहा है या फिर आपको लगता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर कोई भी समस्या और आपको लगता है, तो आप जरूर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।